बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज एक नवा वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और इस वीडियो में मैं आपको आपके मोबाइल चोर पकड़ने में बताऊंगा कि आप अपना मोबाइल का चोर कैसे बआसानी अपने अकाउंट के गूगल अकाउंट के ज़रिए पकड़ सकते हैं। एक बहुत सिंपल से तरीका है, ईजी तरीका है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो आप कैसे अपना मोबाइल का चोर जो है किस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आएगा, इस पे आप क्लिक करें ताकि जब भी मैं इस तरह वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ जो है आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए जो आप अपने प्ले यहाँ पे प्ले स्टोर में जो ये जीमेल अकाउंट है ये आपको याद होना चाहिए, इसका पासवर्ड याद होना चाहिए और ये जीमेल अकाउंट आपको याद होना चाहिए जो आप अपने मोबाइल में डाला हुआ है। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, ये जो है आप अपना ब्राउज़र खोलें, कोई भी ब्राउज़र अपना आप खोलें जब आप मोबाइल आपका मोबाइल चोरी हो जाए। यहाँ जो है सब टॉप में लिख दोगे गूगल में फैंड एफ आई एन डी फैंड माई डिवाइस VICE डिवाइस, ये आप देख सकते हैं, ये आप लिखते हैं और उसके बाद आप इसको सर्च कर ले। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे शो हो जाएगा। ये आप मोबाइल में भी कर सकते हैं और ये आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि फाइंड योर फोन गूगल अकाउंट, तो ये आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपसे मांगेगा आपका अकाउंट जो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका जीमेल अकाउंट जो है और इसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। तो ये आप यहाँ डाल लोगे पे क्लिक करें और मेरे पास ये है ऑलरेडी, तो इसका मैं पासवर्ड आप लिख दूँ और उसके बाद इसको नेक्स्ट करें। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल का नाम, ये आपका मोबाइल का नाम यहाँ बता देगा। मेरे पास मोबाइल है पेनासोनिक और पूरा ये आपको आपका मोबाइल जो है वो आपका नाम उसको यहाँ बताएगा। अगर दो मोबाइल है और दो मोबाइल में तुमने ये अकाउंट डाला हुआ है ये, तो दोनों मोबाइल का जो है वो यहाँ नाम बताएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो इस तरह कुछ आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका कार्रवाई कर सकते हैं, लॉक योर फोन और इस तरह ट्राई कॉलिंग योर फोन, सेंड आउट योर फोन और बाकी चीज़ें भी ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इस पे रिंग भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में और यहाँ से उसका जो चोर का घर होगा वो भी आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं इस लोकेशन पे इस पे क्लिक करूँ, उसका घर देखना है। तो इसमें एक बात और होगा, आपको ये लोकेशन तभी दिखाएगा कि जब आपके मोबाइल में है, मोबाइल में लोकेशन ऑन होगा। ये अभी सर्च कर रहे, एक मिनट लगेगा इसे सर्च करने में। ये अभी सर्च कर रहे आप देख सकते हैं, इसने यहां सर्च कर लिया। और अभी आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको लोकेशन के बारे में बता दो। अभी मेरे मोबाइल का लोकेशन ऑन नहीं है तो ये लोकेशन नहीं बता रहा है। तो मैं क्या करूं कि अपना मोबाइल का लोकेशन ऑन करूं,
यहाँ ये लोकेशन है, ये आप अपना आपका मोबाइल का लोकेशन हर वक्त ऑन होना चाहिए। जब ये लोकेशन ऑन होगा तो उसके बाद आप अभी आप देख सकते हैं, यहाँ इसको मैं दोबारा सर्च कर लूँ, ये अभी लोकेशन ट्रेन आप बता रहे हैं, तो अभी मैं इसको दोबारा सर्च करूँ, बाकी मेरे मोबाइल का डिटेल बता रहा है कि इसमें इस वक्त इतना बैटरी 31% बैटरी बता रहा है, और लास्ट सी सेन 2 डे और इस तरह कुछ ये बता रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा सर्च करूँ क्योंकि मैंने अभी लोकेशन ऑन किया। अभी लोकेशन के बारे में ये आप देख सकते हैं कि ये अभी लोकेशन ऑन बता रहा है ये, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है पूरा उसका घर बता देगा कि इसका घर कौन सी जगह पे है। तो बाकी अगर आपके घर में गुमा हुआ है आपके मोबाइल, तो आप यहाँ से अपने मोबाइल पे रिंग भी कर सकते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ, आपको इसको जो है गारंटी भी सुनाऊंगा। यहाँ पे आप क्लिक करें, ये आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में अभी रिंग जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं स्टॉप रिंग। यहाँ पे आप मैं क्लिक करूंगा तो मेरे मोबाइल का रिंग जो है बंद हो जाएगा। तो इस पे मैं अभी क्लिक करूं, ये आप भी देख सकते हैं कि वो बंद हो जाएगा, बंद हो गया ये बता रहे हैं। और उसके बाद आप अपने मोबाइल का जो है यहाँ से स्क्रीन लॉक जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से रिसीव मैसेज ऑप्शन और फोन नंबर बता रहे हैं कि आप अपना फोन नंबर इसमें डाल लें और यहाँ मैसेज लिखते हैं। तो सबसे अहम चीज़ जो है आपका लोकेशन होना चाहिए, लोकेशन देखना चाहिए आपका मोबाइल का, ये लोकेशन जो है ये ज़रूरी ऑन होना चाहिए। अगर ये लोकेशन ऑन ना हो तो आपका मोबाइल आपका छोर का जो है मोबाइल छोर जो है उसका घर आपको नहीं बताएगा। तो ये लोकेशन ऑन होगा तो वो आपका घर तक पहुंचा देगा ये लोकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं।